सदमा लगा तो अभी अभी मान लिया जब बीजेपी कर रही है, बाद में कांग्रेस वाले करेंगे इसको जो है, ये एक गलत तरह की परंपरा आपको नहीं दिख रही है? मेरा सस्पिशन है केवल जो है राकेश जी बताएंगे। ठीक है, जिस केस की आप बात कर रहे हैं इसमें 5 प्रमुख बुद्धिजीवियों को एक ही दिन में गिरफ्तार किया गया था और उसके खिलाफ हमारे 5-6 लोग जो PIL दायर की थी, उसमें 3 तो हमारे JNU के ही थे पुराने शिक्षक, तो उस PIL की 4-5 हियरिंग हो चुकी है, आपने ठीक कहा। अब सवाल यह है कि हरी सालवे जैसा वकील, जिसको मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छे हैं, इनफैक्ट एक दो जगह इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उन्होंने हमारी एच पर भी की थी, तो उनके बारे में बहुत अच्छी राय है, लेकिन आप जैसा बता रहे हैं कि उन्होंने इस तरह की जो पैरवी की है कि सेडिशन का मुकदमा डाला जाए, वो जब कुछ जानते हैं कि सेडिशन नहीं बनता है। सेडिशन के बारे में 3-4 बड़ी बड़ी जजमेंट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट की हैं, वही गाइडलाइन है। मैं आपको बता सकता हूँ कि वो कौन से केस, 84 में भी एक नहीं, हाँ वो तो ठाकुर वाला केस है, जो लेटेस्ट केस जो है 84 में हुआ था, जिसमें 2-3 सिख जो अतिवादी थे उन पर ये सेडिशन का मुकदमा लगाया था, जो उन्होंने कहा था कि हिंदू दिल छोड़ के भागेगा, खालसा राज करेगा, किनारे लगाए थे, वो केस जो है बेंचमार्क माना जाता है। तो उस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने उस दोनों को सेडिशन चार्ज से बरी कर दिया, क्योंकि सेडिशन के चार्ज को प्रूव करने के लिए कंडीशन है, कंडीशन है इमीडिएट वायलेंस अनलेस अदरवाइज देयर इज एन इमीडिएट वायलेंस आफ्टर दैट पर्टिकुलर स्पीच द चार्ज ऑफ सिटीजन कैन नॉट बी इंस्टिट्यूटेड। दिस इज अ सेटल्ड लॉ, इट इज अ सेटल्ड लॉ। अब ये बताइए कि ये 5 लोगों ने क्या कहा, उसके बाद क्या हिंसा हुई है? यही चीज इवन कन्हैया के केस में बनता है, कन्हैया के केस में देयर वाज नो हिंसा, व्हाटएवर इवन वी बिलीव फॉर अ मोमेंट दैट ही सेड समथिंग, दो इट इज अ डॉक्टर्ड थिंग, आई नो इट, but even for a second we believe that he said that, even then he is not, he cannot be charged cheated under this law of sedition. The law of sedition mein aap theek bol rahe hain, hardly anybody has been convicted for the simple reason ke most of the cases sedition jo hai wo out of political victimization hua hai. Humne to ek cartoonist par laga diya, humne kisi heroine par laga diya, cartoonist par bana diya, to humne kisi homeopathy ke doctor pe sedition laga hua hai. अगर आप सेडिशन के मुकदमे देखें, यू विल बी शॉक्ड एंड अमेज्ड हु ऑल आर सपोज्ड टू हैव फॉट अगेंस्ट वेस्ट वॉर अगेंस्ट इंडिया। सिंपल, बट सवाल ये है कि जब मैं बता रहा हूँ कि जब तंत्र हमारा, जब हमारा आधार तंत्र अधिनायकवादी हो जाएगा, दिस इज व्हाट आई एम कॉलिंग अबाउट इन्वर्टेड टोटलिटेरियनिज्म, कि आप जब स्टेट अपने आदमी को मारने लगे, इसको अधिनायकवाद देते हैं, द मोमेंट द स्टेट स्टार्ट इंस्टीट्यूटिंग केसेस लाइक सेडिशन, इसको अधिनायकवाद। ये बात बिल्कुल आपने सही कहा, ये जो पूरा जो प्रसंग है ये बहुत ही निंदनीय है, और आई एम वेरी श्योर, मुझे सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीडिंग्स के बारे में पता है, कि किसी कीमत पर मैं यहाँ विद स्ट्रेंथ ऑफ माई कॉन्सेंस आई कैन टेल यू विद सेंस ऑफ प्रोप्राइटी, किसी सूरत पर ना इसमें केस बनता है, अगर बन भी जाएगा, पुलिस गलत ढंग से अगर केस बना भी सकती है तो पुलिस उसको साबित नहीं कर पाएगी, आई कैन श्योर यू इट विल नेवर बी कन्विक्टेड, देयर कैन नॉट बी चार्ज अगेंस्ट देम ऑन द ग्राउंड। मैं आपको यहाँ संजय सर के केस के विषय में कुछ जानकारी दूँ। यहाँ पे जो विदूषक, मैं विदुषी परंपरा का नहीं मैं बोल रहा हूँ, स्कॉलरी परंपरा का नहीं, विदूषक परंपरा, जो चारण परंपरा के जो नेता यहाँ पे हैं, उन्होंने बोला कि संजय सर देशद्रोही है और इन पे देशद्रोह का मामला चलना चाहिए, केस चलना चाहिए, और मैं सलाम करता हूँ उनको जिन्होंने संजय सर पे हमला। और ये है हमारे मंत्री महोदय, दूसरे मंत्री महोदय ये बोलते हैं, जो ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर है उनका ये कहना है कि संजय जो है एम्स में एडमिट ही नहीं है, वो झूठ मूठ का जो है तीन का तार बनाया जा रहा है। वैसे सिचुएशन में तो सारे देशद्रोही हो जाते हैं, कोई शिक्षक जो आपको जो है डेमोक्रेसी की बात बता रहा हो वो देशद्रोही हो जाएगा, कोई भी जो आपके अपने मांग की बात करने के लिए बोलता है वो देशद्रोही हो जाएगा, कोई भी जो आप अपने हक हुकूक के लिए लड़ते हैं देशद्रोही हो जाएंगे। और वैसे तो देशद्रोही से तब तो पूरा देश ही देशद्रोहियों का ही है देश, और राष्ट्रभक्त कौन है, छुपा हुआ नहीं है, 2001 में जो है ये तिरंगा को फहराए हैं और अभी भी पेट में दर्द होता है इनको तिरंगा फहराने में। उतना ही नहीं, जब यहाँ पे आते हैं बेजवाड़ा विल्सन मैक्सेसिया वाटी
तो एक कंप्लेन करवाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई एक स्केवेंजर कैसे, भंगी कैसे यहाँ पे नॉलेज डिस्कोर्स देगा? यहाँ पे जब मनोरंजन व्यापारी आते हैं तो उनको लगता है एक रिक्शा पुलर कैसे ऑथर है, एक दलित कैसे ऑथर बन सकता है। तो ये तमाम तरीके का, तो सारे लोग देशद्रोही हैं, आप भी देशद्रोही हैं, ये किसी पार्टी पे ये टिप्पणी नहीं है। कोई भी जो अपनी आवाज उठाएगी, आप भी स्कॉलरशिप के लिए आवाज उठाएंगे, आप भी देशद्रोही हैं। और जो यहाँ पे जो अधिनायक हैं महोदय, तो वो तो आपको बहुत खुशी खुशी पूर्वक जो है देशद्रोही साबित कर देंगे। और बच्चे लोगों को जरा सा सर, मेरा एक सवाल राकेश सर से ही है। बहुत समय हो गया, सवाल तो आपसे बहुत सारा पूछना था, कुछ आपने ऐसे ऐसे तक अभी तक बड़ा सवाल था, लेकिन ज्यादा वक्त है, फिर कभी आपसे मिलकर अलग से पूछा। नब्बे के दशक में हस्ताक्षर किया था कांग्रेस सरकार ने, मोदी कैसे जिम्मेदार है? लेकिन मैं सर राकेश सर से पूछना चाहता हूँ, याकूब मेमन, ये बताइए, रेफरेंस दीजिए। याकूब मेमन के केस में ऐसे रातों रात कोर्ट खुल जाती है, एक हमारे साहब बैठे हैं विश्वगुरु बनाने आए हैं फर्जी डिग्री का, स्वतः संज्ञान का क्या मामला है कि कोर्टें कुछ ले लेती हैं, कुछ खुलवा दी जाती हैं, इन पर नहीं लिया गया है सर? और एक दूसरी अर्जी ये, आप वकील हैं, प्रबुद्ध हैं, आपको सारा मामला मालूम है, तो इसमें आप यहाँ पर जो एक तरह से ये सभी विक्टिम हैं, हम लोग भी हैं, इसमें आप हमारी क्या मदद कर सकते हैं? पहला क्वेश्चन तो ये है कि स्वतः संज्ञान क्या होता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन कुछ इनहेरेंट पावर है, अंडर आर्टिकल 143 समथिंग इनहेरेंट पावर है, जो क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट को इनहेरेंट पावर है वो रात को 2 बजे खोल ले, या रात को दिन को 2 बजे खोल ले, छुट्टी के दिन खोल ले, एक तो और। लेकिन अब इनहेरेंट पावर एक्सरसाइज करने का उसका कोई जुडिशियल रिव्यू अभी तक हुआ नहीं है। बाकी लोगों का जो भी डिस्क्रिशनरी पावर है, एग्जीक्यूटिव में है या लेजिस्लेटिव में है, उस पावर को, उसके पीछे के लॉजिक को सुप्रीम कोर्ट तो स्क्रूटनी कर लेता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के पीछे के लॉजिक को कौन स्क्रूटनी करेगा? तो ये तो हमारे यहाँ एक संवैधानिक व्यवस्था है, तो सुप्रीम कोर्ट को इनहेरेंट पावर है विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट कि कुछ भी फैसला कर सकती है, किसी भी चीज़ का कॉग्निशन किसी भी समय ले सकती है, वो तो वो उसका लॉजिक यही है। अब रही बात क्यों लेती है, मुझे ऐसा लगता है कि जब उनको लगता है बिकॉज ऑफ द मीडिया, बिकॉज ऑफ अदर इनपुट्स, कि ये मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस है, वो उनका अपना ज्ञान, अपना डिस्क्रिशनरी पावर एक्सरसाइज करते हैं। जैसे याकूब मेमन की आपने बात की, तो याकूब मेमन की बात की, इसका मतलब क्या है कि उनको ऐसा लगा कि ये मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस है, इस पर डिसीजन हो जाना चाहिए, तो ये उनका अपना जजमेंट है, ये उनका अपना जजमेंट है, जजमेंट मतलब उनका अपना डिसीजन है कि इसको अभी सुनवाई हम करें, ये उनका तर्क है। और इस तरह के बहुत ऐसे इंस्टेंसेस आए हैं, इवन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जब हम गए थे उसके केस में, वो जो हमारा पाकिस्तान में बंद है, लेकिन वो होता है, ये जुडिशियल सिस्टम का अपना एक मैकेनिज्म है, उसका अपना एक डायनेमिज्म है, कभी किसी को किसी भी चीज को ज्यादा तरजीह दे सकती है और किसी चीज को लंबे समय तक एक भी देगी, लंबे समय तक पेंडिंग कर सकते। देयर आर मेनी मैटर्स व्हिच आई बिलीव आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस बट दे आर गेटिंग द डस्ट, बट देयर आर सम यूजलेस मैटर्स दे गेट प्रायोरिटी। बहुत सारे इश्यूज थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, जिस पर बहुत जल्दी डिसीजन हो गया, जो नहीं भी होता तो फर्क नहीं पड़ता। फॉर इंस्टेंस 377, ऑल दिस ब्ला ब्ला थिंग्स, लॉट ऑफ हो हंगामा अबाउट दोस थिंग्स, नहीं भी होता तो कोई फर्क पड़ता, सोसाइटी वाज स्टिल देयर, 377 रहे या नहीं रहे, नोबडी वाज एक्चुअली आस्किंग फॉर दैट, अपना हो गया तो अच्छी बात, नहीं होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बहुत सारे इशूज है जो मेरे ख्याल से ट्रिवियल थे, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा, वो उनका जजमेंट, एक क्वेश्चन दैट। और बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट इशूज थे, मुझे लगता है जो सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन दे देना चाहिए था, दे शुड हैव सेटल द इशू वंस फॉर ऑल, दे हैव नॉट डन इट येट। आज हम रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, तो रिजर्वेशन के बारे में क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, व्हाट वाज एग्जैक्टली द थिंग व्हिच हैपेंड व्हिच वेंट इन फेवर ऑफ रिजर्वेशन, वाज 9 जज का जो बेंच था उसने एक डिसीजन दे दिया। अब 9 जज के जो जजमेंट है उसके रेशियो को ओवरटर्न करने के लिए इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल इन दिस सिस्टम, तो रिजर्वेशन इज, तो अब रिजर्वेशन अकॉर्डिंग टू मी इज नॉट ओनली वाज अ पॉलिटिकल डिसीजन बाय एक्स वाई जेड बीपीसी, उसमें एक लीगल सपोर्ट भी है, उसका एक लीगल बैकिंग भी है। उस लीगल जो इंदिरा सोनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस था उसमें बहुत सारी चीज़ें देखी गई थी,
बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स एनालाइज किए गए थे, जो वैदिक डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है वो सारा उसमें एनालाइज किया हुआ। इट इज ए ह्यूज जजमेंट, हमारी कैपेसिटी नहीं है पूरी जजमेंट ना पढ़ सके, इतनी बड़ी जजमेंट थी। लेकिन किसी चीज़ पर एक ऑथेंटिसिटी की अगर मुहर लगानी हो तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उसको आपको हेल्प करता है। सो मच सो कि आप लोक अदालत चले जाइए। कुछ लोगों ने मुझे कहा है कि लोक अदालत एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप कुछ भी डिसीजन ले लें उसकी कोई अपील नहीं होती। यू नो दैट लोक अदालत के फैसले की अपील नहीं होती है। लोक अदालत में आप जाते हैं, आप स्वीकार करते हैं कि जो भी डिसीजन होगा हम मानेंगे, और उस पर अगर कोई भी इशू पर अगर लोक अदालत ने फैसला दे दिया उसकी मोहर लग गई, परमानेंट स्ट्रॉन्गेस्ट लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है आपकी फर्म में। तो ये लीगल सिस्टम का अपना मैकेनिज्म है। अच्छा, रही बात मेरे मदद करने के लिए, देखिए एनी मैटर दैट कम्स टू दिल्ली, वेदर इन सुप्रीम कोर्ट और इन हाई कोर्ट, आई विल लीव माई एड्रेस विद मृत्युंजय जी। एनी टाइम एट एनी स्टेज इफ यू थिंक आई एम वर्थ ऑफ एनी थिंग यू कैन कॉन्टेक्ट मी एंड आई विल एक्सटेंड एवरी पॉसिबल हेल्प। थैंक यू सर। सर, आपने कहा था कि देयर इज अ प्रोसेस बिटवीन फ्यूडलिज्म एंड डेमोक्रेसी। जब फ्यूडलिज्म था हमारे देश में उसके बाद डायरेक्ट डेमोक्रेसी आ गया, तो हमारे स्ट्रक्चर में डेमोक्रेसी का जो प्रैक्टिस था वो नहीं था। तो क्या इसके बीच में कोई प्रोसेस है? होना चाहिए था, होना चाहिए। क्या है कोई प्रोसेस? मैंने बताया, देखिए इंडिया में दो चीज़ हुई है। इंडिया हो गया क्वेश्चन पूरा सर? अभी एक और सर, तो अगर प्रोसेस है तो उस समय जो इंटेलेक्चुअल क्लास थे जो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म कर रहे थे, जिसमें अग्रणी भीमराव अम्बेडकर थे, तो क्या उन्हें ये नहीं लगा कि अभी जो डायरेक्ट हमारा फ्यूडल मेंटेलिटी है उसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी की तरफ जो हम जा रहे हैं, तो क्या इसके बीच में कोई प्रोसेस नहीं होना चाहिए? मैं सही है, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वॉज वेटिंग फॉर दिस क्वेश्चन। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि फ्यूडल सिस्टम से जहाँ भी नेशन स्टेट बना, उसके बाद वहाँ डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस शुरू हुई, उसका वोटिंग राइट्स फ्रेंचाइज मिला उनको, उसका एक प्रोसेस था। उस प्रोसेस को स्ट्रेंथन करने के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी था। बहुत जगह एजुकेशन आपने देखा होगा, देखिए मगना काटा से डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन शुरू होता है जो 1215 है, उसके बाद से डिफरेंट डिफरेंट वेस्टर्न कंट्री में डेमोक्रेसी इसी तरह से अपना एडमिट किया है। लेकिन एजुकेशन वॉज इम्पॉर्टेंट इंडिया में। मेरे ख्याल से उस वक्त मुश्किल से 15-20% की लिटरेसी नहीं थी 1947 में जब हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, तो हमें वो फ्रेंचाइज तो मिल गया, मताधिकार मिल गया, लेकिन उसको कैसे इस्तेमाल करना है उसके बारे में हमारे ज्ञान नहीं था, नॉलेज नहीं था। तो मैंने अपने स्पीच में भी कहा था कि एक लिटरेरी और एक एकेडमिक रेनेसां की जरूरत थी, जो हमें पहले कुछ थोड़ा बहुत प्रयास हुआ, कुछ एक दो यूनिवर्सिटी बने, कहीं कहीं बने, लेकिन जिस तरह से एजुकेशन को फोकस होना चाहिए था, बिकॉज वी वर अबाउट टू गेट द इंडिपेंडेंस, वी वर अबाउट टू गेट दैट काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन को ऑपरेट करने के लिए जिस तरह के नॉलेज बेस की जरूरत थी वो सोसाइटी में नहीं थी, उसमें डिले हुआ। बाबा साहब इस थ्रेड को जानते थे, उन्होंने लिखा है, इफ़ यू रीड बाबा साहब मेंटर, उनको पता था कि राजनीतिक आयोजन में मिल गई है लेकिन इसका इस्तेमाल करने में दिक्कत होगी, क्योंकि उनको पता था कि इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं आई है और सोशल इक्वालिटी के नाम पर उसमें हमारे पास क्या था, एक रिजर्वेशन था छोटा सा। अब जहाँ 2000 साल की बात हो रही है वहाँ पर एक रिजर्वेशन भी 10 साल के लिए हम दिए थे। तो वी थॉट यू नो, जब हम संविधान बनाए थे ना, तो हम उस किसान की तरह थे कि हम सोचा चलो भैया हम लगा तो दिए हैं फसल, भगवान करे ठीक से बारिश हो जाए, भगवान करे कोई कोई जानवर न खा जाए, कोई कीड़ा न लगे, वी वर जस्ट प्रेइंग एंड प्रेइंग गॉड की चल जाए हमारे उसी, हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। क्योंकि हमें चैलेंज था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन से कि हम अपना कंट्री नहीं चला सकेंगे, चर्चिल हैड गिवन अ वेरी लॉजिक स्टेटमेंट अबाउट इट किया, सो इंडियंस वांटेड टू प्रूव ब्रिटिश रॉन्ग, बोला कि नहीं तुम्हारा जो सिस्टम है हम चला लेंगे, अच्छे से चला लेंगे। टू सर्टेन एक्सटेंट एज फार एज कंडक्ट ऑफ इलेक्शन इज कंसर्न, एज फार एज ट्रांसफर ऑफ पावर थ्रू इलेक्शन इज कंसर्न, इंडियंस हैव डन एक्सट्रीमली वेल। एज फार एज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, एज फार द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड सोशल जस्टिस, इंडियंस हैव फेल्ड। ये दो चीज़ें आपके और अध्ययन करने के लिए मैं जोर देता हूँ। डेमोक्रेटिक प्रोसेस आप कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन जो इंडियन पीपल स्ट्रगल कर रहे थे कॉम्युनिज्म के खिलाफ, डेमोक्रेसी के क्वेश्चन उसमें मौजूद थे। जैसे ये जो कर रहे थे कई स्ट्रीम्स थे फ्रीडम मूवमेंट के, एक तो कांग्रेस था, एक कम्युनिस्ट था, एक जो था वो सोशल जस्टिस वाले थे। सोशल जस्टिस वाला जो आंदोलन है वो है ज्योतिबा फूले का, के बाद इसका अंबेडकर और बरियार का है। तो मैसेज तो दे रहा था,
हियर वी आर एड्रेसिंग द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी कंटेंट को एड्रेस कर रहे हैं, भले ही उसका फॉर्मल रूप कॉलिजन ना हो। कम्युनिस्टों का था वर्किंग क्लास मूवमेंट, पीजेंट मूवमेंट, उसका एड्रेस वो कर रहे थे। कांग्रेस एज ए होल कंट्री के नेशंस के फ्रीडम के लिए कर रहा, तो इन स्ट्रगल डेमोक्रेटिक कंटेंट वाज देयर, लेकिन स्ट्रक्चरली डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी का कोई प्रैक्टिस नहीं, कोई कॉलोनियल सिस्टम ऑलरेडी मौजूद था जो अलाउ नहीं कर रहा था। तो ऐसे हालत में कॉलोनिज्म और फ्यूडलिज्म दोनों मिलकर शासन किया यहाँ पर। तो जो स्ट्रगल का मैसेज है उसमें डेमोक्रेसी का था, जिसका असर कॉन्स्टिट्यूशन पर पड़ा। कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज़ रखी गई जिसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये हुआ, पूना पैक्ट में ये बात तय हो गई कि रिजर्वेशन दिया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन के पहले की बात है, 1931-32 की बात है, लेकिन उसको ध्यान में रखा गया। तो बहुत चीज़ें देखिए, सत्ता के दो केंद्र होते हैं, ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। सत्ता का केंद्र होता एक स्ट्रक्चर जो राज्य है, जैसे पार्लियामेंट है, विधायिका है, कार्यपालिका, एक ये केंद्र होता है, MLA हुआ, MP हुआ, पुलिस हुआ, ये सब एक केंद्र हुआ। दूसरा केंद्र आंदोलन भी होता है, सत्ता का केंद्र एक मूवमेंट भी होता है। मूवमेंट ऐसा ऐसा मैसेज देगा कि ये घबरा उठता है राज्य, और राज्य फोर्स हो जाता है कि हम बदलाव नहीं लाएंगे तो इसका भयानक अंदर। देन देर आर टू न्यूक्लियस ऑफ पावर, वन इज मूवमेंट एंड अनदर इज स्टेट, और इसमें दोनों में कंट्राडिक्शन हमेशा होता है, और हर हमेशा विजयी जो होता है वो मूवमेंट होता है। एंटी कॉलोनिज्म के खिलाफ लड़ करके अंग्रेज को भगाया है, हर प्रकार का मूवमेंट ही डिसाइसिव हो जाता है सत्ता के निर्देशन के लिए, लेकिन फिर मूवमेंट को कंट्रोल करके सत्ता के जो क्लास है, क्लास वो उसको जो है फिर से उसको कैप्चर कर लेता है, लेकिन फिर उसके खिलाफ आंदोलन। ये डायलेक्टिकल रिलेशंस है, ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये होता रहेगा, लेकिन अंतोगत्वा सबसे बड़ी सत्ता आंदोलन ही होती है। आज आप आंदोलन कर बड़े बड़े चीज हिल जाएंगे, हिल जाते हैं। 2 अप्रैल का क्यों नोटिस ले लिया ये सरकार, हमको कोई बताए कि 2 अप्रैल को क्या नोटिस कैसे ले लिया, और धड़ाक से उसने एक्ट ला दिया, प्रिवेंशन एक्ट ला दिया। वो देख लिया कि वोटे गायब, कितनों हम स्टेट के थ्रू गड़बड़ करेंगे लेकिन वोट नीचे से गायब हो रहा। तो आंदोलन का एक मैसेज है, और डेमोक्रेटिक बनाने में, कॉन्स्टिट्यूशन को ठीक रखने में उसने मैसेज दिया, अंत में उसको एक्ट लाना पड़ा है, रोस्टर सिस्टम को फिर से रीस्टेब्लिश करना पड़ा है। सब जगह यूनिवर्सिटी में चला गया है कि रोस्टर सिस्टम आप पुराना वाला लागू करिए। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ने एक्सेप्ट किया, लेकिन किसके थ्रू एक्सेप्ट किया, मूवमेंट का जो डर है उसके कारण कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट कराना पड़ा। इसलिए मूवमेंट का भी अपना एक सत्ता होता है, कभी कभी हम लोग घबरा जाते हैं, यही पुलिस मार देगा, ये जो राज्य हमको ये कर देगा, लेकिन जब हुजूम का हुजूम निकल जाएगा सड़क पर, तो जयप्रकाश नारायण कैसे हिंदुस्तान के तख्त को उठा करके फेंक दिया। सत्ता का अपना, आंदोलन की भी अपनी एक सत्ता होती है, दुनिया में हर जगह आंदोलन ने ही अपनी सत्ता दिखाई है और राज्य को बदलने के लिए मजबूर हुआ। तो बहुत सारी बातें हैं, ऐसे ही धीरे धीरे आप सोचिएगा तो बहुत सारी बातें आपको अपने आप आ जाएगी, जितना पढ़िएगा फिर उसी से आपका सोच भी निकलने लगेगा। फिर किसी से पूछिएगा, किसी विद्वान के साथ बैठिएगा, वो भी कुछ बताएगा। इसी तरह ये नॉलेज का प्रोसेस है, इन्होंने कुछ बात कही, मैंने कुछ बात कही, थोड़ा थोड़ा अलग हम बात किए, थोड़ा सा अलग इन्होंने, देखिए 3 चीज़ को मिलकर के आपका ताकत बहुत समझदारी का बढ़ गया। इसीलिए मल्टी डायमेंशनल नॉलेज का ट्रैफिक होना चाहिए, एक नहीं, और किसी एक की बात को नहीं मान लेना चाहिए, पढ़ करके उसे काटने का कोशिश करें, नहीं करता है उसे मान लेंगे, क्योंकि लॉजिकली वो ज्यादा मजबूत है, मान लेंगे। बुद्ध ने साफ कहा था, तर्क के आधार पर जो चीज़ हम भी गलत तर्क के आधार पर होंगे हमारा भी बात मत बन। बुद्ध सबसे बड़ा साइंटिफिक एनालिसिस वाले हैं। तो और सर को खाने भी जाना है, अगर कोई सवाल हो एक दो जो है ब्रीफ नहीं, नहीं सवाल के लिए हम बैठे रहे क्योंकि भूख भी लगी है, आप समझ रहे हैं, लेकिन हम डिबेट को आपका जो सवाल है उस पर एक बात मैं बोलूंगा, देर आर टू कॉन्ट्रोडिक्शंस इन द सोसाइटी, प्राइमरी कॉन्ट्रोडिक्शन एंड सेकेंडरी कॉन्ट्रोडिक्शन, वी नीड टू बेसिकली गो बैक टू दैट डिबेट।
एंड कौन सा कॉन्ट्रडिक्शन जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको हम रिजोल्व करेंगे, और उसी के तहत से जो है वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो डिबेट्स जो है उसकी दशा और दिशा तय हुई है। जो भी सवाल हो, अगर लड़कियों से क्यों ने सवाल उठाया, क्यों उसे बोलने के लिए अभी ताकत नहीं हुआ है, चली गई से लड़कियाँ, लोगों को पूछना चाहिए दो ही है ना समाज के अंदर काम होते हुए। मैं ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ आप सबने, मैं किया कि जो पावर का और ये इकोनॉमी का कंसंट्रेशन वो कुछ लोगों के हाथों में है, काफ़ी 90% जो 79% लोगों के हाथों में है। तो ये स्थिति आज़ादी के समय भी थी जब भारत आज़ाद हुआ, तो वो स्थिति आज भी है, बसरते वो बढ़ती चली गई, बैठ जाए बसरते वो बढ़ती चली गई है। तो मेरा सवाल ये है कि इसका क्विक सोल्यूशन क्या हो सकता है। एक लाइन बोलता, बुद्ध ने यह कहा था आपको बीमारी हो गई है, जिस दिनचर्या से बीमारी हो गई है वो दिनचर्या बदल दीजिए। जो जिस दिनचर्या से, जैसे आप दिन भर रह रहे हैं खाए पिए रहे और उससे बीमारी हुई, वो दिनचर्या बदल दीजिए आपके बीमारी घट जाएगी। आप मान लीजिए हम कहें कि बेरोजगारी क्यों पैदा हुई, प्राइवेटाइजेशन से, प्राइवेटाइजेशन उलट दीजिए बेरोजगारी ठीक हो जाएगी। उलटने के लिए ये लोग नहीं चाहता है, जिसको उलट दे प्राइवेटाइजेशन नहीं करेंगे, हम सब का हो गया खत्म। लेकिन दोनों पूछिए जल्दी, तीन तीन सवाल है। सर मेरा नाम सौरभ कुमार है, सर आपसे जानना चाहता हूँ कि IPCC 124 अकॉर्डिंग टू में जो है सर राष्ट्रवाद या राष्ट्र विरोधी की जो अवधारणा आजकल चल रहा है सर, आज नहीं लगता है कि जो पहले कानून बना है आज उसमें कुछ मॉडिफाई किया जाए। कानून मॉडिफिकेशन की जरूरत तब पड़ती है जब कानून स्पष्ट नहीं हो। कानून एक तो पहले स्पष्ट होता है, अगर स्पष्ट नहीं है तो उसका जुडिशियल इंटरप्रिटेशन होता है जो सुप्रीम कोर्ट का पावर है। उन्होंने इस बात से सहमत हूँ कि ब्रिटेन में खत्म हो चुका है, न्यूजीलैंड में खत्म हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया में खत्म हो चुका है, ये जो राष्ट्रों का जो सिमिलर इस तरह का इसका काउंटर पार्ट जो वहाँ की कोर्ट सिस्टम है खत्म हो चुका है, भारत में है। मेरे ख्याल से इसको नहीं रहना चाहिए। इफ यू वांट माय ऑनेस्ट ओपिनियन, इस 124 को हटाना चाहिए क्योंकि हमेशा इसका राजनीतिक उपयोग हुआ है। लेकिन मैं ये नहीं मानने की कि 124 में कुछ कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन सिर्फ पुलिस के दिमाग में है, कन्फ्यूजन सिर्फ राजनीतिक दलों के दिमाग में है, कोर्ट के दिमाग में कभी कन्फ्यूजन नहीं। चीफ कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर इसमें जजमेंट दे दिया है, वही हर बार कोर्ट होता है, हर बार उसी के आधार पर आगे का जजमेंट होगा। देर इज नो कन्फ्यूजन वॉट इज सेडिशन, सेडिशन के बारे में देखिए ये राजद्रोह है, राजद्रोह और देशद्रोह में फर्क समझना चाहिए। राजद्रोह अलग है, देशद्रोह अलग है, ये बहुत बड़ा फर्क है सर। कोई दोनों वर्ड जो है सिनोनिमस नहीं है, एक दूसरे को रिप्लेस नहीं करता है। देश बहुत बड़ा है, मैं मोदी को पसंद नहीं करता, ये हो सकता है उसके लिए राजद्रोह हो, लेकिन भारत का तो मैं हूं। अगर आपको किसी कोई पंडित पसंद नहीं है, कोई मुल्ला नहीं पसंद, इसका मतलब थोड़ी क्या हिंदू मुसलमान नहीं है, आप रहेंगे। राजद्रोह जो है बेसिकली उस पर्टिकुलर टाइम के सिस्टम ऑफ गवर्नेंस के अगेंस्ट है। देश तो हमेशा सरकार में होता है। तो क्या है कि ये राजनीतिक दल है, वो अगर आप विरोध करेंगे जो बेसिकली अगर सही भी है तो राजद्रोह ही है, लेकिन उसको देशद्रोह की तरफ दिखाएंगे। ये उनकी पर सेडिशन है, उसका सेडिशन का हिंदी है राजद्रोह, अलग वर्ड है देशद्रोह। जी न्यूज़ ने हमेशा कहा देशद्रोह, देशद्रोह नहीं है, द्रोह अलग वर्ड है। क्योंकि वर्तमान समय में यार यहाँ पर भी खासकर अगर हम कुछ बोलते हैं तो हम लोगों मतलब एंटी सोशल बता दिया जाता है। देखिए वो तो जाहिर है, वो आपको बताया जाएगा, आपका भी होगा। देखिए जब आप अगर इस तरह की सामाजिक लड़ाई लड़ेंगे, मेरे ऊपर आकांक्षा और राहुल और किसी का कोई प्रश्न? मेरा नाम आकांक्षा है, मैं मानविक और भाषा संकाय हिंदी विभाग की छात्रा। सर मेरा सवाल ये है कि सर अभी मैंने कुछ दिन पहले सुना कि भारत सरकार सर्जिकल स्ट्राइक दिवस मनाना चाहती है, तो सर मुझे ये पूछना है कि क्या उससे पहले, इस सर्जिकल स्ट्राइक से पहले कोई ऐसा मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ था क्या? सेना के लोग नहीं मरे थे? और सर अगर मरे भी थे और बड़ी संख्या में पाकिस्तानियों को मारा भी गया है कांग्रेस के टाइम में जैसा कि मुझे पता है, तो सर तत्कालीन सरकार इसे अपना विजय दिवस घोषित करना चाह रही है या फिर मतलब उसकी क्या? ये आप उसी सवाल में बोल रही हैं जो मैंने पहले कहा था कि आप जो है अंधराष्ट्र उसको हमेशा
जगाना, और दूसरा है कि परपेचुअल स्टेट ऑफ वॉर, सर्जिकल स्ट्राइक का एनिवर्सरी मना के हम उसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं जो परपेचुअल स्टेट ऑफ वॉर, ताकि आपको याद रहे दिमाग में, देखिए हम लड़ाई कर रहे हैं, तीसरे देश का लड़े हैं। तो ये देखिए सर्जिकल स्ट्राइक वाली जो चीज़ है, पहले उस पर बहुत सारे विवाद रहे हैं, मैं उन विवादों में नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, मेरे मित्र थे वहाँ पर, मैं आपको स्पष्ट बता दूँ कि मेरे मित्र थे उन जगहों पर दूसरे सेंट्रल फोर्सेज में, जिनके कमांडेंट से मैंने पर्सनली बात की थी, बोला कि हाँ सर गोली तो चली थी, लेकिन कितना मरा पता नहीं चल रहा है, कुछ कुछ आवाज़ लेकिन आई थी, दिस सेड दैट। लेकिन सवाल ये है कि अगर कुछ सर्जिकल स्ट्राइक अगर हुआ भी था, तो इस तरह के स्ट्राइक्स पहले भी होते रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम जिस मोदी सरकार ने आर्मी के एक रूटीन एक्शन, मैं इसको रूटीन एक्शन मानता हूँ, एक रूटीन एक्शन का पॉलिटिकल एडवांटेज लेने की कोशिश की। मुझे याद है कि उस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद ये यूपी गए थे मोदी, तो सर्जिकल स्ट्राइक के नायक करके पूरे यूपी में लखनऊ में पोस्टर लगे हुए थे। कभी भी आर्मी का इतना ज़्यादा राजनीतिक इस्तेमाल नहीं हुआ इस देश में जितना पिछले 3-4 साल से, और सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में चर्चा करना और सर्जिकल स्ट्राइक का अब एनिवर्सरी मनाना इसी बात का द्योतक है कि वो आर्मी को भी अपना एक चुनौती हथियार मान। सर मेरा नाम राहुल कुमार दुबे है और मैं भाषा मानवीय संकाय के अंतर्गत दिल्ली विभाग के विद्यार्थी। आप सिविल सर्विस से संबंधित? हाँ, मैंने आईएएस एग्जाम क्लियर किया हुआ 2 बार और सिविल सर्विस से वापस लौट के आए। सिविल सर्विस एक शक्तिशाली एक पावर होता है, वहाँ पे शक्ति होता है और आधिकारिक तौर पे जो है समाज के लिए कार्य किया जाता है। तो आपका वहाँ से लौट के जो आना है उसको मैं एक अच्छा संदेश के रूप में नहीं ले पा रहा। अच्छा, प्रश्न का दूसरा पहलू है, मतलब मैं संदेश ग्रहण नहीं कर पा रहा हूँ। दूसरा प्रश्न का दूसरा पहलू ये है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो मानविकी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रहा है, तो मानविकी के ज्ञान से जो आई हुई हमारे अंदर चेतना है, वो चेतना क्या कार्यपालिका की जिम्मेदारियों के वहन में बाधा डालती है? बहुत गंभीर सवाल है, मैं जवाब दे सकता हूँ। देखिए पहले मैं बता दूं कि मैं 1990-1991 दोनों बार आईएएस एग्जाम मैंने क्लियर किया था, एलाइट में मेरी रैंकिंग आती थी, तो मैंने नौकरी ज्वाइन कर ली। दस वन थी। अब सवाल ये है कि मैंने जब नौकरी ज्वाइन की थी उस वक्त मेरी उम्र करीब 25-26 साल थी, ठीक है, तो उसके पहले पढ़ाई कर रहा था, तो मेरे दिमाग में एक एजेंडा था कि लाइफ में जरूरी नहीं है कि पूरी ज़िंदगी आप नौकरी करें। एक अकबर इलाहाबादी का शेर है, इरशाद सुनिएगा। अकबर इलाहाबादी से किसी ने पूछा कि आपकी अपनी ज़िंदगी कैसी रही, क्या है आपकी कैसी ज़िंदगी रही। अकबर इलाहाबादी बड़े आदमी थे, जज थे इलाहाबाद, उन्होंने कहा था कि क्या कहें अहबाब, अहबाब मतलब मेरे वंशज, क्या कहें अहबाब, क्या कारा नुमाया करके, कारा मतलब कारनामा, नुमाइश देखने वाली चीज़, क्या करके, क्या कहें अहबाब, क्या कारा नुमाया कर गए, बीए की नौकर हुए, पेंशन ली और बढ़ गए। ये शेर मुझे अच्छे से याद था, तो मैंने क्या किया, मैंने पेंशन पहले ले ली ताकि मरने और पेंशन के बीच में कुछ अच्छा काम कर सकूं। वही पिछले 5 साल से अच्छा काम कर रहा हूं। 10 वर्ष तो 48 साल की उम्र में मैंने नौकरी छोड़ दी, 5 साल हो गया, 53 साल 54 माह चल रहा है, ठीक। एक तो ये बात है। दूसरी बात जो आपने कहा कि जेएनयू, हाँ बहुत सही बताया, जेएनयू का लड़का जो मैं 6 साल मैंने पढ़ाई की, इंटरनेशनल स्टडीज में एमए किया, फिर अमेरिकन यूनिवर्सिटी में स्टडीज में फील्ड में था, तो जाहिर है कि जेएनयू में आज मैं जो कुछ भी हूँ, मैं बता रहा हूँ कि जो कुछ भी आज मैं हूँ जेएनयू के कारण, उसके पहले मैं शायद कुछ नहीं था। जेएनयू में आने के बाद ही मैंने नौकरी की, मैंने पढ़ाई की, इनफैक्ट मेरी शादी भी उसी कारण से हुई, दैट्स अनदर थिंग, सो आई होल ऑफ थिंग्स टू जेएनयू, दैट्स वन थिंग। तो मैं ये बताता हूँ कि जेएनयू का लड़का उस जमाने में 86 से 91 था, तो जाहिर है कि एक रैशनल फैकल्टी मेरे माँ में था, रैशनल फैकल्टी मेरा ओपिनियन था, तो ये था। दूसरा ये था कि मैं कभी अहंकार में नहीं था, मुझे लगा कि मैं जेएनयू में आ गया, पढ़ लिया, तो मे बी आई एम प्रिविलेज्ड बट आई एम नॉट द बेस्ट, देर आर मेनी इक्वली टैलेंटेड पीपल लाइक मी ऑल ओवर इंडिया जिनको शायद ही मौका नहीं मिला। मैं अपने आप को ब्लेस्ड मानता था कि मुझे कहीं से मौका मिल गया कि मैंने पढ़ लिया। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी जिन लोगों से मैं डील कर रहा हूँ वो इतने प्रतिभाशाली नहीं है, मुझे अपने प्रतिभाशाली होने में कभी घमंड नहीं था। ये बात अलग है कि भारत सरकार की सारी स्कॉलरशिप मैंने क्लियर की है, राइट फ्रॉम एनसीआरटी टू जमुना लेवल, कोई इंस्टीट्यूट में
नहीं नहीं लक्ष्मण ने एक वो आपके बॉस के लिए डिफिकल्टी पैदा करता है, जेएनयू की सोच आपके बॉस के लिए डिफिकल्टी पैदा करती है, क्योंकि आपको वो कन्विक्शन है, आपको करेज है, आपको करेज है कि आप सच को सच बोल सकते हैं, आप सही बात रख सकते हैं, आप डरते नहीं हैं, आपको विश्वास है कि नहीं एक सच्चाई की जीत होगी, एक आप लीगल फ्रेमवर्क में काम करते हैं, डिग्निटी ऑफ लेबर को मानते हैं, सबको इक्वली ट्रीट करते हैं, यू हैव द कैपेसिटी टू रेस्पेक्ट एवरीबडी नो मैटर हाउ लोली ही इज प्लेस्ड इन हायरार्की, तो ये सारी चीज़ें आपकी एडवांटेज होता है। आई टेल यू आई कमांडेड ट्रेमेंडस रेस्पेक्ट ड्यूरिंग माई सर्विस लाइफ बिकॉज ऑफ माई जेएनयू बैकग्राउंड एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट, कि ये जान के कि मैं जेएनयू का था, मैं जहाँ गया वहाँ के सिविल सोसाइटी में जहाँ पोस्टेड था वहाँ के लोकल ऑफिसर से पब्लिक में, एंटिल टूडे आई एम रीपिंग द एडवांटेज ऑफ बीइंग अ जेन्युइन, और आज मैं यहाँ आपके साथ बैठा हूँ इस कारण से कि मैं जेएनयू का विद्यार्थी था, नॉट बिकॉज कि आई हैव रैंडम सिविल सर्विसेज 95 नंबर, दिस इज माय आंसर टू इट। नाउ लाइक वी आर गोइंग टू फाइल दिस थिंग लाइक दिस इज नॉट द एंड ऑफ द डिबेट, वी विल बी डिबेटिंग, और उससे पहले जैसा हमारा शिक्षक संघ का मानना है क्योंकि हमारे गेस्ट आए उनको एक टोकन ऑफ ऑनर जो है वो दिया जाए, और गांधी की कर्मभूमि रही है खादी का ये है, तो खादी का सवाल देकर जो है हम चाहते हैं कि हमारे गेस्ट को जो है दिया जाए। सबसे पहले क्योंकि हमारा मानना है कि शिक्षक संघ केवल जो है पदाधिकारियों का संघ नहीं होता है, शिक्षक संघ सारे शिक्षकों का जो है संघ होता है, और उसी ये कड़ी में जो है हम ताराचंद सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो आए और ताराचंद सर को शॉल देकर जो है उनका सम्मान करें। सर आपने जो सॉलिडरिटी दिया, जो ट्रेनिंग दी है हमें जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एक स्टूडेंट के नाते, एक गार्जियन के नाते, उसका मैं शुक्रगुजार तो नहीं बोलूँगा, लेकिन उस ट्रेनिंग का जो गरिमा जो होता है, जो लिगेसी, जो जिस लिगेसी को हमने शेयर किया, उस लिगेसी को इस वादे के साथ कि हम आगे ले जाएंगे लड़ाई, और जो एजुकेशन माफिया जो है उसके अगेंस्ट जो सर्जिकल स्ट्राइक करने की जरूरत है, मनोवाद के खिलाफ जरूरत है, ये जो यहाँ पे जो महिला विरोधी जो वाइस चांसलर है, और पूरे देश में जो गरीबी जो व्याप्त है, जो बेरोजगारी जो व्याप्त है, और आपके सम्मान के लिए, आपकी शिक्षा के लिए, आपके रोजगार के लिए जो है सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है, और उस सर्जिकल स्ट्राइक में हम हमेशा साथ रहेंगे ताकि लोकतंत्र को मजबूत बनाया जाए, लोकतंत्र जो है केवल हमारे नुमाइंदों का नहीं हो, पदाधिकारियों का नहीं हो, लोकतंत्र हमारा और आपका हो, और उस वायदे के साथ कि इस संघर्ष की मशाल को जो है हम जलाए रखेंगे और लोगों के बीच जाएंगे, और इस वाइस चांसलर को जितना जल्दी जो है बुढ़िया बिस्तर बांध करके जो है भेजेंगे, और भी शिक्षा माफिया जो सर ने बोला कि जो चंद शातिर अपराधी जो है, एक शातिर अपराधी आपके बीच से आज चले गए, जो आपके रजिस्ट्रार हुआ करते थे, हमारे डीन महोदय हुआ करते थे, क्रम जो है शुरू हो गया है, और उस विदाई का क्रम को आगे बढ़ाना है, और शुक्रिया सर, हम लोग फिर से डिबेट में मिलेंगे।
लड़ाई में मिलेंगे इस उम्मीद के साथ। थैंक यू। अरे आंदोलन तो गोलोलिया सिर्फ निशान कर देता है ना, भाग जाता है। जा रहा हूँ, मुझे एक जेनुइन को ही भगाने के लिए एक जेनुइन। नहीं नहीं ये आंदोलन तो गोलोलिया सिर्फ